आशाय चतुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे. ప్రతి ఒక్క జన్మకి ఒక ఉద్దేశం ఉంటుంది, ఒక కర్తవ్యం ఉంటుంది. ఆ ఉద్దేశాన్ని తెలుసుకోవడమే జీవితం. కృష్ణుడు ఎందుకు పుట్టాడు? దేవతకి పుట్టిన కృష్ణుడు ఎందుకు యశోద దగ్గర తిరిగాడు? కృష్ణుడు కుస్తీ యుద్ధంలో కంసుణ్ణి ఎందుకు చంపాడు? అతని ఉద్దేశం ఏంటి? అదే ఈరోజు మనం తెలుసుకోబోయే పైల్వాన్ కృష్ణుడి కథ. అయ్యో, ఎవరో ఈ పిల్లలు అనాథగా వదిలేసారు. जैसा नहीं, मेरे बेटे हो, मेरा बेटा.
मुझे इतना सा था ना, तब से नई खुशी सी पाया। मेरे दादा परदादा सब लोगों ने यही तालीम दी। बेटा मेरा एक सपना है, पूरा करोगे? पढ़ाई के अलावा मैं कुछ भी करूंगा। कुश्ती में नेशनल चैंपियन बनना है तुम्हें, करोगे? सरकार ये जिंदगी आपकी है, आप जो कहेंगे मैं करूंगा। तुझे ट्रेन करके चैंपियन बनाया, याद है कि नहीं? तूने जितनों को ट्रेन किया वो सब चैंपियन बने क्या? मेरे पास टैलेंट है, मेरे पास ताकत है, ताकत। That's why I'm a champion। मेरा जैसा बॉक्सर पूरे इंडिया में नहीं मिलेगा, समझा क्या? मैं इसका जवाब जरूर दूंगा। से भी बड़ा चैंपियन तैयार करूंगा। सब कुछ तुझमें इतनी हिम्मत है तो किसी एक को, बस एक को मेरे जैसा बना के दिखाओ। टोनी इज द बेस्ट। इंतजार रहेगा मुझे किसी मर्द के बच्चे का। परेशान मत हो पापा, टोनी मेरा शागिर्द है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो इतना कमीना निकलेगा। तो उसे भूल जाना पापा, उसकी तरह तो आप किसी को भी ट्रेन कर सकते हो। ये इतना आसान नहीं है बेटा। टोनी वो हीरा है जिसे मैंने अपने हाथों से तराशा, और इस हीरे को सिर्फ दूसरा हीरा ही काट सकता है। मैं तो धरती मैया को दंडवत प्रणाम कर रहा था बेटा। तू तो गधा है पप्पू। क्या बोला?
हमला पप्पू राव नाम है मेरा। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक तू जैसे किसी भी पहलवान को नहीं छोड़ा। सब में हमला कर चुका हूँ मैं। छोड़ जान दो सब। क्या कि तुमने किसी पहलवान पर हमला नहीं किया? आने जाने वाले लोगों ने तुम पर ये बार बार हमला किया, इसीलिए तेरा नाम हमला पप्पू हो गया। अब मन रख, ये भी सुबह दूध पी लेना। अरे हर बच्चे को चेसा तू क्यों पीती है? एक्सक्यूज मी, जस्ट अ मिनट सर। दूध पी के दन पेल। मैं विजय, बॉक्सिंग कोच। नमस्ते सर। नमस्ते। मुझे पता चला है कि आप अपने चैंपियन की पुरानी चीजें देना चाहते हैं। जी आइए। ये है। अरे अरे वाह वाह वाह, पक्का देसी पहलवानी का सामान है। क्या मैं इसे उठा सकता हूँ? हाँ क्यों नहीं। थैंक यू। अगर हमारे लड़के इन्हें इस्तेमाल करेंगे ना तो चट्टान बन जाएंगे। क्या मैं इसे खरीद सकता हूँ? इसकी कीमत नहीं लगा सकते सर। ओ, यानी इतना अनमोल है। जी हाँ ये अनमोल है सर। 7 सालों तक लगातार जिस योद्धा को कभी भी कोई नहीं हरा सका, ये सब उसी महान चैंपियन की यादें हैं सर। यहाँ रखी हर चीज पर हमारे चैंपियन की निशानी है सर। अगर आप 4 साल पहले यहाँ आते तो हमारे पहलवान की चक्कर देख पाते। किच्चा शेर की तरह अखाड़े में उतरता था। शेर था वो, शेर। Thank you.
में चले आए। नहीं दिया सरकार मंदिर मंदिर। अच्छा वो कुश्ती में जीता तो मन्नत मांगी थी कि मंदिर। समझ कर जवाब देना। मन्नत मांगी है तुमने? मैंने सरकार इसके लिए मन्नत मांगी थी। पता चल गया क्या? अरे ये तो भगवान ही जाने। नेशनल्स में सिलेक्ट होना है इसे, इसलिए पुलिस स्टेशन और लड़ाई झगड़े से दूर रखना है इसे, समझे? सरकार क्या कह रहे हैं आप? अखाड़े में करते हैं कुश्ती, बाहर निकलते ही दोस्ती, ऐसी है इनकी हस्ती। कौन से मंदिर जा रहे हो? आसमान से गए खजूर में अटके। गणेश मंदिर। गणेश मंदिर के बाद महालक्ष्मी मंदिर। महालक्ष्मी को कभी देखा भी है क्या? देखा है, ये मैं पूछने वाली बात है। सुंदर चेहरा, चेहरे की वो रौनक, आकर्षण है। वाह वाह वाह, बता नहीं सकता इतनी खूबसूरत है। कुछ नहीं हो रहा है, मैं यहां से निकलने की कोशिश तो कर रहा हूँ। वो क्या है कि अब
लड़ाई होने वाली है सरकार। मैंने फोन किया है, ये बात उसे बताना मत। बेटा नंबरी तो बाप दस नंबरी, नहीं बताऊंगा सरकार। क्या कर रहा है वो? तोड़ रहा है, नारियल तोड़ रहा है सरकार।
रोड पब्लिक का है, किसी के बाप का नहीं, हाउस है जी। ए सोन, इस जगह पे ये कटआउट कब से लगा है? मुझे नहीं पता सर, मैं इस गांव का ही नहीं हूँ। सर, आप यहाँ पर नए आए हैं, इसीलिए आप उनके बारे में नहीं जानते। कोई लीडर है कि देशभक्त? उनमें से कोई नहीं है सर। तो है कौन? ये है हमारे गांव के महाराजा। वर्षों से इनका ही परिवार यहाँ पर राज करता चला आ रहा है। यहाँ के सब लोग इनकी बहुत इज्जत करते हैं। गांव में किसी भी काम की शुरुआत इन्हीं के हाथों से होती है। यहाँ के एमएलए एमपी को जनता ने यही चुनते हैं। किसी भी इतनी हिम्मत नहीं कि कोई इनके मान सम्मान पर एक उंगली भी उठा दे, और अगर उठाई तो फिर तो क्या करेगा हा? राजा हो या मंत्री, गलती तो गलती है ना। कानून सबके लिए एक ही है। नहीं कौन देखता। राजा साहब, ये गांव में नए हैं, इनसे अनजाने में गलती हो गई। इनसे नहीं, इससे। मेरा नाम है राणा, राजा राणा प्रताप वर्मा। सरकारें बदलती हैं, लेकिन राजा नहीं बदलता। राणा क्या भला है पता है तुझे? अगर शादी का घर है तो वहां दूल्हा हूं मैं, और अगर मातम का घर है तो वहां लाश भी मैं। इस इलाके का हर शख्स पहला सलाम मुझे ठोकता है, और तेरी ये जुर्रत कि तूने मेरे कटआउट कुछ हुआ नहीं। राजा साहब नहीं, मैं इसे समझा दूंगा, इसने जाने में गलती कर दी है। ए, चल चल ए, चलना चलो खैर सल्यूट मार। सल्यूट मारेगा ना राजा साहब? ये तो यहां दुनिया हमारे बैठे हैं भाई, धोकर आए। मेरा मतलब है मंदिर होकर आए बेटा। क्यों भैया, प्रसाद तो मिलाना। प्रसाद? मंदिर कैसे? तो दरवाजा बंद था तो कैसे प्रसाद? सुबह से पता नहीं सरकार ये क्या क्या बके जा रहा है, कोई लिमिट ही नहीं है। ये लो, अब तक घर नहीं गए। आपका इंतजार कर रही थी ना। भैया एक बात पूछूं, ये प्रसाद गणेश का है या महालक्ष्मी का? तुम जाके सो जा, जाके मुन्ना आके सो जाना। लड्डू ना तुम जा, तुम नहीं जा, जा तुम जा। फोन पे तो मैसेज कर लिया था सरकार। शर्ट उतार कर धोया ना? बहुत धोया? खालू दे दी। बच्चा है वो, झगड़ने के लिए लेके जाते हो? बच्चा है वो? मेरा बेटा है वो। तेरे बारे में कोई कुछ बोला? छोड़ेगा नहीं। वहां हवा पेटी में निकली और यहाँ प्रेशर मेरा चेक हो रहा, क्या किस्मत है। सब कुछ बता देगा। मेरे साथ क्या हो रहा है? बाप भुगता है और बेटा बजाता है।
अचानक से ही अपनी बेटी की शादी फिक्स कर दी? पापा ने फिक्स किया, मेरे लिए क्या सही है क्या नहीं वो अच्छे से जानते हैं। अरे नहीं है पापा, मैंने और लड़के के डैड ने मुंबई में एक बड़ी सी प्रॉपर्टी डेवलप की है और ये भी इकलौती औलाद है उनकी। अगर ये शादी हो गई ना तो हमारा रिश्ता भी अच्छा होगा और बिजनेस भी। यार बिजनेस बढ़ाने के लिए किसी अनजान लड़के से अपनी बेटी की शादी करेंगे? जब मम्मी और पापा की शादी हुई थी तो वो एक दूसरे को जानते थे क्या? फिर भी वो दोनों खुश थे ना? बहुत खुश रहेगी मेरी बेटी देखना तो। अच्छा, उनके पास मुझसे कहीं ज्यादा दौलत है। मुझे दुकान में पूरा भरोसा है, जो भी मुझसे शादी करेगा फॉर श्योर वो मुझे हमेशा खुश रखेगा। कृष्णा की शादी के लिए लड़कियों के कुछ फोटोग्राफ्स हैं। मैं अपने बेटे को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। जब तक वो नेशनल चैंपियन नहीं बनेगा शादी नहीं करेगा। मेरे सामने बोल दिए, उसके सामने भूल कर भी मत बोलना, हंगामा कर देगा। कुछ ज्यादा ही है सर। क्या हुआ, क्या बात है? भरोसा नहीं कुछ पे। क्या यही की तो पीटा नहीं? एक बार बोला तो यकीन नहीं होता क्या? देख उधर जो बैठी है उस बिल्ली की कसम दिया तो देख, कसम तोड़ा तो क्या होगा पता है? पता किस खुशी में यहाँ बैठ के पी रहा है? ये एग्जाम में कभी क्वेश्चन पेपर फेल होता है क्या? कौन फेल होता है? जो लिखता है। अरे खेल लव कभी फेल होता है क्या? कौन लव उसके पेड़ होने में मुझे डाउट है या पप्पू ऐसे क्या पता सच्चा डर क्या होता है? पीटा नहीं बोल के पूरा पौवा ढके दिया तूने। चल छोड़ जान दे, पूछते हो देख रहा ध्यान से सुन रहे बता। ये लोग है ना, ये सिक्स पैक जैसा होता है, आना मुश्किल है और तो मेंटेन करना और भी मुश्किल है। कैसे? लेकिन फ्रेंडशिप है ना पप्पू, नीचे देख एक पेट ऐसे आराम से आता है। आने के बाद तुम कुछ भी करो मरने तक तुम्हारे साथ रहना है, समझे? ये जब ऐसा है तो प्यार व्यार क्यों पप्पो? ऐसा बोलने वाले ही प्यार करते हैं और शादी भी। क्या करेगा? प्यार करेगा। कौन करेगा? तू करेगा। मैं करूंगा? हाँ। प्यार व्यार में नहीं पड़ना ऐसा सरकार बोलते हैं, इसलिए हनुमान ब्रह्मचारी सरकार ब्रह्मचारी मी और सौ ब्रह्मचारी। मैं शादी नहीं करूंगा तेरी कसम, प्यार नहीं करूंगा तेरी कसम, तेरी कसम तुझे। बिल्ली की कसम खाई थी शराब नहीं पीता, बिल्ली को ही निपटा दिया। मेरी कसम खाई है कि प्यार नहीं करेगा, मेरा क्या होगा? मुझे जिंदा रहने के लिए इसे प्यार करने से रोकना होगा, शादी करने से रोकना होगा। कोई ना कोई उपाय तो करना ही होगा। अब एक कार्ड निकालो। सीताराम विवाह, तुम्हारी शादी का योग बन गया है। राशि नक्षत्र के हिसाब से तुम्हें तुम्हारी सीता मिलेगी। हो ही नहीं सकता, ये ब्रह्मचारी है, शादी न करने की कसम खाई है इसने। ये इसलिए कह रहा है क्योंकि मैं हनुमान भक्त हूँ और साफ साफ हनुमान जी का ही कहना है ये। क्या? कि तुम्हें तुम्हारी सीता मिलेगी और उसी के साथ तुम्हारी शादी भी होगी। ऐसा क्या? अरे भाई ये ढोंगी है, अपने माल के लिए आपको हलाल कर रहा है। ओए पंडित, तुझे और कोई बकरा नहीं मिला क्या? मेरे ज्योतिष शास्त्र को झूठा कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? देख लेना, हनुमान जी स्वयं आएंगे और तुम्हें तुम्हारी सीता से अवश्य मिलवाएंगे। जब तुमसे देखोगे, तुमसे मिलोगे, उस समय तुम्हारे प्रेम के साक्षी अग्नि जल वायु तीनों बनेंगे, ये याद रखना। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।
साक्षात लक्ष्मी माता को ही भेज दिया। लक्ष्मी माता मैं आ रहा हूँ। पप्पू, पप्पू, हारमोनियम बजाने वाले को हनुमान बनाकर बिठा दिया, हद है। पप्पू, राम राम। हाँ तुम ही? राम नहीं, कृष्ण। नमस्ते। हनुमान का सुर किससे लगा था, कृष्ण से या राम से? राम से। तो फिर सीता मैया उधर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है, जाओ राम, तुम जाओ। ये रामायण में राम की जगह कृष्ण कहाँ से आ गया, कंफ्यूज ये दिया है। Thank you.
पानी पीने जा रहा है या अब तक की मेहनत पर पानी फेरने जा रहा है? भैया मैं उस लड़की से प्यार करके शादी। ये प्यार ना सब पप्पा से डिब्बे में डाल के खुले मारा, क्या हुआ तुझे? भैया उस लड़की का परिवार, उसकी सभ्यता, उसकी संस्कार। संस्कार सभ्यता क्या मुझसे ज्यादा जाता है? इसके चक्कर में पड़ा था लौटता, लेके घूमता रहेगा लौटता, गन्ना जाता ना तो गन्ना उसके रस की तरह चूस के फेंक देंगे तुझे सजाना। और सुन, तू है पहलवान, मन में रखना है कुश्ती और बनना है तुझे चैंपियन। इसको छोड़ के आगे पीछे कुछ भी और कोई भी नहीं, समझा? तू समझ गया? तो देखा तुमने, सीखो। ये क्या है भैया? नीला लंगोट बांध, अंदर की गर्मी कम हो जाएगी। Yeah.
Come on, 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 come on
क्यों पूछ रहे हैं आप? मैं जानता हूं तुम मेरी बेटी के पीछे क्यों पड़े हो, और ये भी जानता हूं तुम्हें चाहिए क्या। वैसे तो जैसे सड़क छाप रोमियो के लिए मैंने अपनी लड़की को पैदा नहीं किया है। जाना चाहता हूं सर। सही है सर, क्योंकि आप कुछ बोलेंगे मैं कुछ बोलूंगा, इतना जो इतना बन जाएगा, फिर कहीं से कहीं और जाएगा, ये सब क्यों सर? फिर भी आप सुनना चाहते तो बोलूंगा सर। सर वो दूसरों की तरह मेरी धोखे मार गया सर। आपका बड़ा बंगला बाहर खड़ी गाड़ी देखकर बड़ा आदमी सर हुआ सर। मामू मैं अपने बारे में नहीं बोलना चाहता, फिर भी बोलना सुनिए। मुझे लिखना नहीं आता, लेकिन बाहर बुजुर्ग आगे उनसे छोटे छोटे बच्चे तक और प्यार से मेरा नाम उसके पूरे शरीर पर गुदवाया सर। इतना का क्या अकाउंट नहीं है मामू, लेकिन दोस्तों के रूप में कुछ चाहने वालों को बाहर कमाया। अगर वो सब मिलके एक एक रुपए मुझे प्यार से देंगे तो एक अकाउंट खुलेगा और आपसे ज्यादा मेरे पास होगा मामू। अगर मुझसे पंगा लिया तो, अगर मुझसे पंगा लिया तो, अगर मुझसे पंगा लिया तो, ऐसा बोलने वाला मैं समझ नहीं हूं, फिर भी बोल रहा हूं। और एक बात मामू, तुझे से यकीन कैसी एक देवी जैसी बेटी पैदा हुई। और एक बात, आप
आपकी बेटी का दूल्हा मैं हूँ तो आपका दामाद मैं ही हूँ ससुर जी। जो भी हुआ मैंने आपको बता दिया। अगर आप एक बेटी के बाप होते तो आप क्या करते? मैंने उसकी शादी भी फिक्स कर दी है। तो ऐसी हालत में अगले महीने आप शादी की तैयारी कीजिए। मैं अपनी जुबान देता हूं, मेरी बेटी की तरफ से परेशानी नहीं होगी। चाचा नमस्ते, बात कर सकता हूँ? सर, अब तक हम दोनों का एक ही सपना था, वो वैसा ही है या बदल गया है? सर क्यों सरकार ऐसे बात कर रहे हैं? क्या वो चैंपियन बनने का सपना है या नहीं? सरकार क्यों ऐसे पूछ रहे हो? सच में या तुम्हारे लिए कोई और सपना जरूरी हो गया है? नहीं सरकार, नहीं सरकार। रणस्थलीपुर में नेशनल सिलेक्टर्स आ रहे हैं। ठीक में जो है निकाल बैठो, ध्यान सिर्फ कुश्ती पर लगाओ। चैंपियन बनने का सपना है या नहीं, या तुम्हारे लिए कोई और सपना जरूरी हो गया?
उसको आएगा ना सर? जरूर आएगा। आएगा Thank you.
చేసిన తప్పు వల్ల ఇక్కడ ఏం జరిగిందో నీకు తెలుసా? నాకు తెలిసి సర్కారు ముందు ఇంతవరకు ఎవరూ ఇలా మాట్లాడలేదు. అమ్మా, అసలు మీ నాన్న ఎన్ని మాటలు సర్కార్, వీళ్ళకు కూడా ఇలా అవుతుందని తెలియదు సర్కార్. सरकार क्या है तुम तो जानते हो, और आप भी नहीं जानता. मेरे सामने जो आदमी खड़ा है, मैं उस इंसान को नहीं पहचानता, बिल्कुल नहीं पहचानता. मैंने जिस बेटे को पाला था, ये नहीं है वो. देखिए बुजुर्ग, आप इसीलिए फायदा मत उठाइए. पूछा था भरोसा कर सकता हूं या नहीं, मेरे भरोसे का यही सिरा दिया तुमने. आज मैं तुमसे दो वचन मांगता, तुम्हारे पति उसे पूरा कर पाएगा बेटा? जी सरकार, आप जो कहेंगे ये करेंगे. सिखाई हुई विद्या का इस्तेमाल नहीं करेगा और कुश्ती भी नहीं लड़ेगा. ये जहां भी रहे खुश रहे, लेकिन मैं आज के बाद इसको देखना नहीं चाहता. सरकार, ये सब क्या कह रहे हैं आप? नहीं देखना चाहते क्या मतलब? कहां जाएगा ये? क्या आपका बेटा है? कोई कुछ भी बोल देगा, आप अपने बेटे को घर से निकाल देंगे. ये लड़की शहद पीने वाली थी, इसीलिए शादी करके इसे यहाँ ले आया. कुछ अंदर से पहली बार मेरे भगवान मुझसे कुछ मांग रहे. मूर्ति का Thank you.
पहले से ही दिल का मरीज था। ये बात सबसे छिपा कर वो रिंग मुद्रा डॉक्टर ने सर्टिफाई किया है, इसी की वजह से उसकी मौत हो गई। ये बात सच है। ये सब तो ठीक है, लेकिन लेकिन बस आपके कोच को कोर्ट में नहीं पहुंचना चाहिए, फिर ये पैन पक्का रद्द हो जाएगा। ये यहाँ देख लो ना, ये नहीं चाहिए ताजा। Thank you.
हमारे गांव में मेला शुरू होगा ना, आज पहली आरती है, कुछ ही दिनों में कुश्ती शुरू होगी। सरकार बहुत खुश होंगी आज। चार घंटे बैठ के सिखाऊं मैं पहनाऊंगा ना। जानू जानू। हाँ पापा। बेटा तुम चिड़िया देखना चाहती थी ना कॉर्नर में? हाँ पापा। बाइनोक्यूलर से देखोगी? ओके पापा। जाओ बेटा। देख ले, देखने दो।
कोई समझ में आए तो हमें हमारा काम पूरा कर लेना चाहिए। भाई और बहनों बाहर आओ, एक अनाउंस कुछ है। आज हमारे शादी की सालगिरह है, राजस्थानी साड़ी भी दिलाए हूँ और खाने के लिए भी लेके जा रहा हूँ, ये बोलने आया था। हाँ, नोटेड डाउन। और पता है पापा ने मम्मा को साड़ी वो देखो उसके लिए राजस्थान से साड़ी लाया है। एक तो वो मेरे लिए आज तक ब्लाउज पीस भी लाए हो क्या? दीदी भी तो ऐसी होनी चाहिए। अगर घर में शादी है मैं दूल्हा हूं। अच्छा, अगर घर में मातम है मैं लाश हूं, वो भी अच्छा। लेकिन यार तूने तो मेरी ही शादी में आके मुझे ही लाश बना दिया, ये अच्छी बात नहीं है। आज कोई किसी भी बात पे हंसता है, लगता है मुझ पे हंस रहा है। अब घर से बाहर नहीं निकलता हूं। मर ले तो मर ले, सामने हो। नो 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 नो, अभी तो मैं रिलैक्स हूं। तू मिल गया ना? थैंक यू। तूने ही कहा था ना किच्चा कि पहलवान की असली जीत अखाड़े में होती है, तो बस तुझे एक बार फिर मेरे अखाड़े में आना है पहलवान की तरह, और मैं वहां तुझे हराऊंगा। वो पहलवान नहीं आएगा। आएगा, आएगा ना, मैं बाहर लेकर आऊंगा। और एक बात कहूं तुझसे, मेरी पर्सनालिटी पे ये पटके शटके सोटे कर पहलवान अरे आपकी बेटियां नहीं दिखाई दी? सुना है बहुत देर है, कहां है?
तो वापस आना ही होगा, मैं लेके आऊंगा। नमकीन बिस्किट पांच से ज्यादा उड़ने की कोशिश मत कर, इतनी ऊंचाई से गिरेगा चोट उतनी ही लगेगी। हाँ हाँ यही तो समझा रहा हूँ, धोनी को हराओगे तुम अगले साल तक जिंदा रह पाओगे, हो सके तो इसी साल एक पटा बिस्किट तैयार करके मुझे खिला दे। समझ में आएगा किसके कितने औकात है। Thank you.
नमस्कार। कहिए, मेरी गाड़ी में थोड़ा डेंट पड़ गया, जरा देख लेंगे? जरूर, अच्छी थोड़ी मैं देख लेता हूँ। सुलेमान, आपकी गाड़ी देख। शंकर भाई चलो। हाँ ठीक है। कृष्णा एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मानेगा? पूछिए। जानू को इतने बड़े स्कूल में डालने की जरूरत है क्या? तुम इतनी मेहनत करके कमाते हो, उसमें तो खोली का भाड़ा भी नहीं निकलता, ऊपर से इतना महंगा स्कूल। शंकर भाई, एक माँ अपने बच्चे को गोद में क्यों बिठाती है बोली? ताकि बच्चा भी वो सब देखे जो माँ देख रही है। लेकिन एक बाप अपने बच्चे को कंधे पे क्यों लेके जाता है पता है? ताकि बच्चा वो सब देखे जो वो नहीं देख रहा। एक बाप के लिए बोझ नहीं खुशी है। मैं तो स्ट्रांग फादर हूँ भैया, स्ट्रांग फादर। कृष्णा, तुम जैसे अच्छे दिल वालों का कभी बुरा नहीं हो सकता। माफ करना, पूछना नहीं चाहिए था। दूसरों को दे देकर ये हालत हो गई है मेरी। इस उम्र में जाकर पता चला कि ली कैसे जाती है। 40,000 दोगे तो काम करूंगा, वरना इससे कम में नहीं। ये बॉक्सिंग का ऐड है भाई, पैसे कम होते हैं। काम भी बहुत ज्यादा है भाई, और हम लोग कम है, इतने पैसे में नहीं हो पाएगा। चलो रे, तुझे क्या चाहिए? वो काम लेकर कम से थे। कितने लोग हैं तेरे साथ? साथ में कोई नहीं, मगर काम ही करता हूँ सेठ जी, उनको जो देने वाले तो वही दीजिए बस। अकेले कैसे करोगे? काम बहुत ज्यादा है यार। करूँगा सेठ जी, भरोसा कीजिए। मटेरियल उधर पड़ा है, बस शुरू हो जा। थैंक्स सेठ जी। ए पांडे, हाँ भाई, जा जाके देख कि ठीक से काम कर रहा है कि नहीं। कृष्णा मेरी बेटी से शादी कर रहा है, लेकिन कृष्णा ने मुझे गलत साबित कर ही दिया। ये मत सोचिए कि फिर से तकलीफ देने आए हो सर, मन में जो बातें बोल रहे हो। एक दिन मेरी बेटी दिखाई नहीं दी सर, सिर्फ एक घंटा फोटो नजर कहीं नहीं मिले। एक 3 साल की बच्ची सर, सिर्फ एक घंटा जब वो नहीं मिली तो मेरी जान निकल गई सर। तो जिस बच्ची को अपने 22 साल तक पाला पोसा, अचानक मैं उसे लेकर गया तो पर क्या गुजरी होगी, आप समझ सकते हो सर। मैं तो इसलिए नहीं कि वो मेरी बेटी से शादी कर लिया, बल्कि इसलिए कि मेरा बिजनेस बर्बाद हो रहा था। मैं अच्छा बाप नहीं हो सका, वो है अच्छा बाप, और उसकी परवरिश करने वाले आप हो एक अच्छे बाप। जानबूझकर की गई मेरी गलती के लिए मुझे माफ कर दीजिए। आप बस वो आता ही हूँ। सर नमस्ते। नमस्ते पप्पू। किता का कुछ पता चला? हाँ, अखाड़े में उसकी फोटो देखी थी, यही है ना? यही है सर, हमारे किचन। सर क्या हुआ? हर साल होने वाले बहुत बड़े बॉक्सिंग टूर्नामेंट का एडवर्टीजमेंट थे, हमेशा ट्रॉफी तो हम ही जीतते थे, लेकिन शायद इस समय सर ये फोटो आप
तो बादशाह मैकेनिक की दुकान की फोटो है। इस मैकेनिक को तुम जानते हो? हाँ जानता हूँ। इसे जानते हो? कृष्णा है अपना, ले लो, अपने घर के पास ही तो रहता है कृष्णा। Thank you.
गुस्सा शुरू हो गया। सुहेल और शेर को नहीं जगाना चाहिए था। जुल्म ना करने के लिए कहा था, जुल्म को बर्दाश्त करने के लिए नहीं। Thank you.
है ना सर। बॉक्सिंग रिंग में आना ही होगा। पैसा मिलेगा? हाँ, बॉक्सिंग के तो पैसे मिलेगा। हाँ मिलेगा। पैसे कितने मिलेंगे? पता नहीं कितने मिलेंगे सरकार, लेकिन बच्चों के लिए पैसों की जरूरत है। बच्चे? बच्चे उस दिन घर छोड़ के जा रहा था, तब पता था कि थोड़ी तकलीफ होगी, लेकिन बहुत तकलीफ हुई सरकार। तकलीफ यानी कुली बनने में या गरीबी में नहीं सरकार, आपके बिना, कुश्ती के बिना बहुत दर्द होगा। नींद नहीं आती थी सरकार, पूरी रात दौड़ता रहता मैं, शायद तक जाने से नींद आ जाए। समझता था कि मेरी तकलीफ ही बड़ी है, लेकिन जिंदगी ने उससे भी बड़ी तकलीफ से मिलवाया उन बच्चों की। मैं खाना खा के आता हूँ। खाने के बाद पड़ी है तुमको, पहले काम खत्म करो, उसके बाद ही खाने के बारे में सोचना। हाँ हाँ ठीक है। आओ उठाओ जल्दी से, समझे क्या? सुशीला। अरे भैया, घर में बहुत परेशानी थी ना, बाबा के मरने के बाद हमें यहाँ आना ही पड़ा। शुरू में थोड़ी परेशानी हुई, उसके बाद तो आदत से पड़ गई। दौड़ना तो जैसे मैं भूल ही गई भैया। वो नहीं है भैया। नहीं है मतलब? वो तो यहाँ आना भी नहीं चाहता था, कहता था काम नहीं करूंगा, क्रिकेट खेलूंगा, क्रिकेटर बनूंगा। एक दिन अम्मा उसे जबरदस्ती काम करने के लिए लेके आई, कहने लगा मुझे क्रिकेट खेलना है, कह के जोर से भागा। आदत सी हो गई है। आप यहाँ कैसे? सुशीला,
सर अभी आ रही हूँ। भैया सुपरवाइजर बुला रहा है। तुमसे मिलके बहुत अच्छा लगा भैया। हम लोग यही रहते हैं, आना कभी, चलती हूँ। हाँ सपने तो बड़े बड़े देता है भगवान, और साथ में भूख भी। फिर वही भूख सारे सपनों को जला कर राख कर देती है। Thank you.
हैं सुरकर, एक से एक हुनर, छोटे छोटे से जो दो वक्त की रोटी के लिए अपने सारे हुनर को, सारे सपनों को वक्त की बुटी में छोड़ देते हैं। बहुत दुख होता है देखकर, जब तक इंसानियत ही कोई अनाथ नहीं हो सकता। इंसान होना सिर्फ खुद के लिए नहीं बल्कि अपने आसपास के लोगों के लिए भी जीना है, ये सब वक्त बचपन से मैंने आपसे सीखा था सरकार। मेरे बॉक्सिंग की कमाई से अगर कुछ बच्चों का भविष्य बदल सकता है तो मैं जरूर करूंगा। अगर आप मान जाए मैंने तुमको सिर्फ कुश्ती लड़ना सिखाया, लेकिन कुश्ती क्यों लड़ते हैं ये तुमने सीख लिया। तुम तब भी दूसरों के लिए लड़ते थे और आज भी वही करने जा रहे हो। तुम्हें अपना बेटा कहने में मुझे गर्व हो रहा है। ताकत का गुरूर जिसको होता है वो है गुंडा, लेकिन जिसके इरादों में ताकत भरा हो वो है योद्धा। Thank you.
जब बाहुबली पंचाकुली कुल जीतते
ले ना आधे घर के लाख मुझे करीब पहुंचा रहे हो టోనీ గారు చాలా పెద్ద ప్రతిభావంతులు వారితో బాక్సింగ్ చేసే అవకాశం నాకు దొరికినందుకు ఆనందంగా ఉంది కృష్ణ గారు కుస్తీ వదిలి బాక్సింగ్ ఎందుకు వచ్చారు సార్ డబ్బు కోసం సార్ డబ్బు కోసం ఈ డబ్బు కావాలని చెప్పింది నా కోసం కాదు సార్ వెన్నుతట్టే వారు ఎవరు లేక ప్రతిభ కలిగిన పిల్లలు పని చేసుకుంటూ అక్కడెక్కడ జీవితం గడుపుతున్నారు ఎవరైనా కొంచెం ప్రోత్సాహం ఇచ్చేవాళ్ళు ఆ పిల్లలకి దొరికితే రేపు ఇదే రాష్ట్రానికి ఇదే దేశానికి చాలా పెద్ద క్రీడాకారుల సేవలు అందిస్తారన్న నమ్మకం సార్ నాకు టోనీజీ లేకిన్ ఇస్ ఫినాలే కే బారే మే ఆప్ క్యా కహనా చాతే హై ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి షాట్ క్రిస్ప్ అండ్ షాట్ పైలోని కృష్ణ గారు సార్ గెలుస్తారా నేను గెలుస్తానో గెలవనో తెలియదు సార్ కానీ ఒక్కటి మాత్రం నిజం జీవితంలో ఓటమిని మాత్రం నేను సులభంగా ఒప్పుకోను స్కూల్లో స్టేట్ లెవెల్ వాలీబాల్ ప్లేయర్ని ముందుకెళ్ళడానికి నాకు ఎవ్వరూ సాయం చేయలేదు పైలవాడి కృష్ణ గారు మన రాష్ట్రానికే కాదు దేశానికే ఆదర్శం దేశానికే గర్వకారణం నా కంపెనీ వాళ్ళందరూ 1 month శాలరీ పిల్లల స్పోర్ట్స్ కోసం డొనేట్ చేస్తాను నా ఉద్దేశం ఏంటంటే నా కొడుకు అన్నట్టుంది అతను గెలిస్తే నా కొడుకు గెలిచినట్టే జనాలు మనసులు గెలిచిన పన్నీవాన్ కృష్ణ రేపు బాక్సింగ్ రింగ్ లో టోనీ మీద గెలుస్తారా తప్పక చూడాల్సిందే పెద్ద కష్టమేమి కాదు కానీ ఆ ఒక్క అడుగు వేయకపోతే గమ్యాన్ని చేరుకోలేము సార్ రండి సార్ ఇది ఫైనల్ మీరే రాకపోతే ఎలా ఏ రోజైతే నేను టోనీ ముందు ఒకరిని నిలబెట్టానో ఆ రోజే నేను నా పని రెండు గెలిచాం బాబు ఈ రోజు జరుగుతున్న యుద్ధం ఫైనల్స్ అది నాది కాదు అతనిది ఇది అతనికే చెందాలి అక్కడ ఈ రోజున అవసరం అతనికి ఖచ్చితంగా లేదు ఏ కారణం కోసమైతే అతను బాక్సింగ్ రింగ్ లోకి దిగాడో అదే అతనికి శక్తిగా నిలబడుతుంది
2, 3. నువ్వు కొడుకువి, నిన్ను నా కొడుకు అని చెప్పుకోవడానికి గర్వపడుతుంది. బలముందన్న అంతో కొట్టేవాడు నువ్వు ఎంత, కానీ బలమైన కారణం కోసం కొట్టేవాడు యోధుడు. Good. Good to go.